أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ولاؤ ولی و ولایت کے عنوان پر نویں اور آخری تقریر. میں اپنے احباب کا شکر گزار ہوں کہ وہ پابندی سے شرکت فرماتے رہے اور انہوں نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. آج اپنی ساری تقریروں کو یکجا کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ گزشتہ سے فکر کو مسلسل کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. کل عرض کیا جا رہا تھا کہ اتصال بالغیب جو لازمی ہے ولا کے لیے وہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں سفر کرے. اور اسی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن میں اس کو ہجرت سے یاد کیا گیا اور ہجرت مکان سے مکان کی طرف نہیں ہے بلکہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف ہے کہ جہاں آپ کسی مقام پر بیٹھے ہوئے کسی مقام پر سکونت رکھتے ہوئے بھی اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اگر اچھائیوں نیکیوں اور بلندیوں سے بدلنے کی کوشش کریں اور ہر آن بلند ہوتے جائیں تو یہ ہجرت ہے. مگر یہ بلندی ناممکن ہے, ناممکن ہے جب تک کہ مفہوم ہجرت میں مولا کائنات کا مصداق پیش نظر نہ ہو
आपने इरशाद फरमाया कि लफ्ज़ हिजरत को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक के जमीन पर अल्लाह की हुज्जत की मारिफत न हो। लफ्ज हिजरत वाक़े ही नहीं होता किसी पर जब तक के वो जमीन में अल्लाह की हुज्जत का आरिफ न हो। ये कल की बहस थी, हम आगे बढ़ रहे। तो ये भी बतला दिया गया कि कोई नर्दबान मादी, कोई ज़ीनहाए आरज़ी या कोई बुलंदी पे जाने की सीढ़ियाँ नहीं हैं कि जिसको आप उरूज कहें, इर्तका कहें या हिजरत कहें, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सही माना में एक हालत से बेहतर हालत में अपने आप को तब्दील करना है। जैसे कि हज़रत इब्राहिम ने कहा, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीनी, मैं जा रहा हूँ अपने रब की तरफ, वही मेरी हिदायत करेगा। सूरह साफ़ात, इस आयत की भी कल मैंने तिलावत की इज्जत हासिल की थी। आज तकरीर को खात्मे पर पहुँचाते हुए चंद ज़रूरी बातें इस सिलसिले में अर्ज़ की जाएंगी। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि उन्वान विलायत इतना बसीत और इतना वसी और इतना हमगीर और इतना मुहीत है कि 9 दिन तो क्या, 9 साल तक भी अगर कोई मुसलसल रोजाना समझाने की कोशिश करे तो उसका इहाता इसलिए नहीं हो सकता कि अल्लाह ने अपने को वली कहा है। नारे सलवा, आप समझ रहे हैं, यह मफहूम इतना वसी है, इतना वसी है कि उसकी तारीफ हमसे नामुमकिन है। अल्लाह ने अपने को वली कहा, उसकी विलायत तकवीनी भी है, तशरीई भी है। तकवीनी विलायत यह है, वहुवल वली, वहुवा यहयिल मौता, वहुवा अला कुल शयइन कदीर, कुरान मजीद, कि वो वली है, मुर्दों को जिंदा करता है, हर चीज पे कादिर है। यह विलायत तकवीनी है, विलायत तकवीनी है, जहां शर्त ईमान नहीं है, तकवीन है। आलम तकवीन में जिसको चाहे हयात दे, जिसको चाहे हयात दे, जिसको चाहे अदम से वजूद में लाए, हर चीज पे कादिर है, वो हुवल वली, वो वली है। आलम तशरी में उसकी विलायत ये है, वो हुआ वलीयुल मोमिनीन, और वो साहिबान ईमान का वली है। अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनु युखरिजुहुम मिनल ज़ुलमात इलन नूर, अल्लाह साहिबान ईमान का वली है जो अंधेरों से नूर की तरफ उनको खींचता है। यह तशरीई विलायत है, वो तकवीनी विलायत है। अल्लाह के लिए तकवीन भी है, तशरी भी है, और जो अल्लाह का मजहर होता है उसके भी यही दोनों जंबे होते हैं। वो विलायत तकवीनी भी रखता है, विलायत तशरीई भी रखता है। ये मंजिल बड़ी अहम है, और यहाँ आम तौर पर विलायत के माना करने वाले या विलायत की मंजिलों तक नजर पहुंचाने वाले इस हकीकत से बेखबर हैं कि विलायत तकवीनी और विलायत तशरी के दोनों जम्बों के लिए एक ही मजहर है। अल्लाह अगर वली है तो वली तकवीन भी है, वली तशरी भी है, मगर उसके साथ ही वो कहता है कि अल्लाह वली, रसूल वली,
और अगर रसूल वली तो वो साहिबान ईमान भी वली, जिनकी तारीफ कर दी, जिनकी तारीफ कर दी कि वो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं, और उसके बाद की आयत के जो अल्लाह को वली बनाए, रसूल को वली बनाए, साहिबान ईमान को वली बनाए, नहीं मैंने तर्जमा गलत किया, जो अल्लाह को रसूल को साहिबान ईमान को वली बनाए। लफ्ज़ वली बार बार इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो अल्लाह को वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीन आमनु, जो अल्लाह को रसूल को साहिबान ईमान को वली बनाए, फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून, ये अल्लाह का लश्कर है जो गलबा पाएगा। तो इस मकाम पर एक मफहूम की फिर वजाहत चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप गौर करें और इसको महफूज रखने की कोशिश करें। वो ये है कि जब ये कह दिया कि अल्लाह और उसका रसूल और साहिबान ईमान वो ये तकाजा करते हैं कि कोई उसको अगर दोस्त रखे तो वो लश्कर बन जाता है जिसके लिए गलबा है। अगर विलायत में साहिब ईमान की, और अगर विलायत में रसूल की, और अगर विलायत में खुदाए वाजिबुल वजूद के कोई फ़र्क हो, कोई इम्तियाज हो, कोई तजाद हो, कोई इख्तलाफ हो, तो ये तीनों नाम एक सिलसिले से नहीं आ सकते। तजाद नहीं है, तजाद नहीं है। इसलिए अगर कोई रसूल को वली कहे तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं, वो अल्लाह को वली कह रहा है। अगर कोई रसूल को वली कहे तो परेशानी का मकाम नहीं, वो अल्लाह को वली कह रहा है। और इसी तरह से साहिबान ईमान में से अगर किसी को वो वली कहता है तो परेशानी की बात नहीं, वो रसूल को वली कह रहा है। आपने देखा कि ये है सूरह मायदा की आयत, जिसका ये तर्जमा है, ये तफसीर है, इसका मफाद ये है। आयत तकाजा ये करती है कि विलायत में तफरीक की जरूरत नहीं है। इस मंजिल तक पहुंच जाने के बाद एक अम्र जो इंतहाई काबिल फिक्र भी है, काबिल गौर भी है, वो ये कि विलायत तकवीनी का लाजिमा ये है, वहुआ अला कुल्ले शैइन कदीर, वहुआ अलवली यहयिल मौता, वहु अला कुल शैइन कदीर। विलायत तकवीनी के जो वली तकवीनी हो उसको हर चीज का कुदरत हो, हर चीज पे कुदरत हो। तो ऐसी मंजिल पर आप कुदरत को कहीं और पाएंगे, कहीं और ढूंढेंगे और कहीं और तलाश करेंगे, तो कुरान मजीद हिदायत के लिए तैयार है कि ये विलायत तकवीनी कहां है। और कुरान मजीद में अजीब बात यह है कि साहिब तफसीर साफी मोहसिन फैज़ काशानी ने सूरह राद की तफसीर करते हुए यह इरशाद फरमाया कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन के असहाब में से किसी ने पूछा कि मौला, कुरान मजीद पढ़ते हुए आप किस आयत को ये समझते हैं कि वो आपके फजाइल से लबरेज है, और उससे बढ़कर आप किसी आयत के मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं करते कि इस कदर उसमें फजाइल हो। का वो कौन सी आयत है कि जिसमें आपके फजाइल ऐसे हो जिस पे आप नाज कर सकें।
तो फैज काशानी लिखते हैं तफसीर साफी में कि अमीर मोमिनीन ने इरशाद फरमाया मुस्कुराकर कि सूरह राद की इस आयत पर अली को नाज है कि कुल कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। आयत आपकी सुनी हुई है मगर आज आप इस आयत को एक और रंग से सुनेंगे और एक और तफसील के साथ इसको समझेंगे। यह आयत सूरह रात की आखिरी आयत है। पूरी आयत यह है कि काफिर ये कहते हैं यकूलुल्लज़ीन कफरू लस्ता मुरसला, काफिर ये कहते हैं कि तुम मुरसल नहीं है, इन्हें रसूल से खिताब है, काफिर ये कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, कुल तुम कह दो कफाओ बिल्लाही शहीदन, मेरे लिए अल्लाह गवाही के लिए काफी है, फिर वाओ और मन इंदहु इल्मुल किताब और वो जिसके नजदीक इल्म किताब है। एक वाओ के इजाफे ने उन तमाम मुफस्सरीन की कोशिशों पे पानी फेर दिया जिन्होंने यह बतलाने की कोशिश की कि अगर काफिर तुमको रसूल न माने तो कह दो कि खुदा तुम्हारी गवाही के लिए काफी है जिसके नजदीक इल्म किताब है। एक वाओ ने वो पूरी कोशिशों पे पानी फेर दिया कि अल्लाह की ज़ात गिरामी और है और वो कोई और हस्ती है कि जिसके नजदीक इल्म किताब है। अब इसके बाद आप ताज्जुब करेंगे कि पूरे कुरान में वो मन इंदहु इल्मुल किताब को फिर इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरे कुरान में वो मन इंदहु इल्मुल किताब को फिर इस्तेमाल नहीं किया गया मगर एक मकाम पर, वो सूरह नमल है, वो सूरह नमल है और वहां की कैफियत यह है कि हजरत सुलेमान ने आलम जलाल में पूछा अय्युकुम यातीनी बिअर्शहा, तुम में से कोई है जो बिलकीस का तख्त उठाकर मेरे पास लाए। قال افريت من الجن, इफरीत ने जो जिनों में से था खड़े होकर कहा انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك, मैं लेकर आता हूं वो तख्त को मगर इतनी मुद्दत में कि यहां से आप जब बर्खास्त करें दरबार तो तख्त आ जाएगा। قال افريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك, आप उठकर खड़े नहीं होंगे कि तख्त आ जाएगा। وقال الذي عنده علم من الكتاب, देखिए पूरे कुरान में इंदहु इल्मुल किताब नहीं है, ये सूरह नमल में का वो قال الذي عنده علم من الكتاب, और जिसके पास बाज़े किताब का इल्म था उसने कहा انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك, आपकी पलक नहीं झपकेगी मैं तख्त लेकर आऊंगा, यह विलायत तकवीनी है। देखा ये अली को नाज है विलायत तकवीनी पर। वहुआ अला कुल्ले शय्यिन कदीर, वली ये तकवीन है
और उसकी मिसाल में आपने फरमाया कि मैं इस आयत से बहुत ज्यादा महसूस होता हूँ, ये मेरी फजीलत है और ये मेरे लिए सबसे बड़ी सनद है। क्यों कहा उसको सनद? इसलिए कि इल्म मिन अल किताब जिसके पास है वो यमन से एक महीने की राह पर तख्त बिलकीस को चश्मे जदन मिला। तो मिन अल किताब में इल्म रखने वाला अगर उसमें इतनी ताकत है तो जिसके पास इल्म किताब हो उसकी ताकत का अंदाजा ये होगा कि हर के दर आफाक गर्दन बूतुराब बाज गर्दन मगरिबा। आपने देखा ये गुफ्तगू आप समझ सके? ये अमीर मोमिनीन ने क्यों नाज किया था इस आयत पर? قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب। अल्लाह शहीद है और वो गवाह है जिसके पास इल्म किताब है। पूरे कुरान में वमन इंदहु इल्मुल किताब नहीं है, सूरह नमल में है वकाल अल्लजी इंदहु इल्मु मिनल किताब। जिसके पास बाज़े किताब का इल्म था उसने कहा कि मैं मलिक सबा के तख्त को चश्मे ज़दान में लाता हूँ। किसके सामने कहा? कहने वाला नबी नहीं है। देखिए, कहने वाला नबी नहीं है। आसिफ इब्ने बरकिया ने कहा, जो वजीर है सुलेमान का, कह रहा है नबी से। सुलेमान नबी है तो नबी की कुव्वत पर गवाह बन रहा है आसिफ इब्ने बरकिया। जिनों के मुकाबले में कि तुम यह दावा करते हो कि कबल अन तकूम मिन मकामिक दरबार बर्खास्त होने से पहले तुम तख्त लाओगे, इस पे नाज क्या है? मैं इस नबी की नबुव्वत पर गवाह हूँ, यह सुलेमान की नबुव्वत पर गवाह हूँ। इसलिए कहता हूँ अन आती कभी कबल या तदाई का तरफ इतनी देर में लाऊंगा कि आप पलक न झपके। तो मिसाल अली ने मुकम्मल कर दी, मैं भी नबी नहीं हूँ, मैं भी नहीं नबी नहीं हूँ, मगर मदीने में रहूंगा और अगर खैबर में पुकारे। विलायत तकवीनी की मंजिल है कि जहां आपने इस शान से अपने मौला को देखा। इसीलिए जब इस विलायत तकवीनी का और विलायत तशरीही का जिक्र इकबाल करते हैं तो इस विला पर नास करते हैं। मुसलमान सुने और गौर से सुने, मुसलसल तीन दिन से कह रहा हूँ आले मोहम्मद की मोहब्बत के लिए किसी खास फिरके से होना जरूरी नहीं है। इकबाल को शिया फिरके से रब्त नहीं था, मगर चूंकि हक शनास निगाहें थी, हक शनाज निगाहें थे, उसने ये तय किया
तय किया कि रहूंगा तो उधर ही, मगर कहूंगा सब इस घराने के मुताल्लिक ताकि मेरी बात को कोई रद्द न करे। अगर इकबाल ये वसीयत करके मर जाते कि मुझे शिया समझा जाए तो आज कोई उनका शेर पढ़ भी सकता। तो आपने देखा कि मकाम मोहब्बत में, मकाम मारिफत में खिदमत इस तरह से भी होती है, खिदमत इस तरह से भी होती है, और इसी खिदमत ने दुनिया को परेशान कर रखा है। इकबाल को यह कहना पड़ा कि विला की मंजिल यह है कि अज विलाए दूध मौनश जिंदम, उसके खानदान की विला में जी रहा हूं। अज विलाए दूध मौनश जिंदम, दर जहान मिसले गोहर ताबिंदाम, दुनिया में मोती की तरह चमक रहा हूं उस विला से, उस विला से चमक रहा हूं। मोहब्बत है एक से नहीं, अज विलाए दूध मानस पूरे घराने को चाहता हूं, पूरे घराने को चाहता हूं, पूरा घराना नहीं, पूरा घराना नहीं, बल्कि इकबाल की मंजिल कुछ और आगे है। और ये कहते हैं कि सर पर ज़दाम ये जेब कंबर, मैंने कंबर के जेब से सर निकाला है, फकत घराना नहीं गुलाम भी। तकलीफ दी जानम बगुलामी तो खुशतर, पूरा शेर याद रखिए, जानम बगुलामी तो खुशतर सर बरजदाम जे जेब कंबर, मैं कंबर के जेब से झांक रहा हूं। मुझे तो तेरी गुलामी पसंद है, तो सिर्फ खानदान को नहीं चाहा, गुलामों को भी चाहा। किसी शायर की जबान से आपने खंबर की तारीफ सुनी है? देखिए ये असर है, ये असर है गुलामी का। कतरे आबे वजूए कंबरे, कतरे आबे वजूए कंबरे, दर बहा बरतर ये खून कैसर, कीमत में खून कैसर से ज्यादा कवी है कंबर के वुजू के पानी का एक कतरा। कतरा आबे वुजू कंबरे, दर बहा बरतर वे खून कैसरे। तो ये मोहब्बत की मंजिल है, जहां बेख्तियार उनको कहना पड़ता है कि आए, यानी विलायत तकवीनी की मंजिल पर इकबाल अमीरुल मोमिनीन को खिताब करके कहते हैं आए सिर। अगर एक ही शेर आप समझ लें तो खुदा गवाह है मेरी आज की तकरीर का माहसल मिल गया। आए सिर रे, सिर राज, सीन रे राज, आए सिर रे खते वजूब इमकान, आए वाजिब व मुमकिन के दरमियानी खत, क्या
पुस्तक अखबार के सिवा अगर किसी और की जबान से निकलता तो मालूम नहीं आज कहां कहां से फतवे आते। आए सिर खते वजूब व इमकान, आए वाजिब व मुमकिन के दरमियान खत, और आए उस खत का राज खत लकीर, खत वाजिब व मुमकिन का फर्क, वाजिब जहां समझ ही समझ, मुमकिन जहां एहतियाज ही एहतियाज। आए सिर खते वजूब व इमकान, तफसीर तो सूरह कुरान, तेरे अमल की तफसीर कुरान के सूरे है। आए सिर खते वजूब व इमकान, तफसीर तो सूरह कुरान, चकुनम मैं तवल्ला तुंदस्त बुरु फितर ज़मीना, मैं क्या करूं या अली, तेरी विला की शराब इतनी तुंद तेज है। अम्मा चकुनम मैं तवल्ला तुंदस्त बुरु फितर ज़मीना, सागर में भरता हूं सागर छलक पड़ता है। अम्मा चकुनम मैं तवल्ला तुंदस, आप इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये बेख्तियार मैं बातें करता हूं, ये इसलिए नहीं बल्कि मैं जब्त ही नहीं कर सकता। मैं जब्त नहीं कर सकता हूं, ये जाम मोहब्बत भर जाने के बाद यह छलक रहा है। अरे सिर खते वजूब व इमकान, तफसीर तो सूरह कुरान, अरे बाब मदीना है मोहब्बत, अरे नूह है सफीना है मोहब्बत, दानम के अदब बज़ब्त राज़। मुझे मालूम है या अली कि अदब यह है कि मैं राज को छिपाऊं, दानम के अदब बज़ब्त राज़, और मुझे यह भी मालूम है कि खामोशी इंसान के लिए अच्छी चीज है। अम्मा चकुनम मैं तवल्ला तुंदस्त बुरु फितर ज़मीना, जब तेरी मोहब्बत की शराब जाम में भरता हूं तो इतनी तुंद है यह शराब कि सागर छलक पड़ता है और बेअख्तियार मैं कहता चला जाता हूं। तो उसके बाद कहते हैं अज होश उदम, अब ऐसे आलम में मेरा तो होश गया। अज होश उदम मगर बहुशम, मेरा तो होश गया मगर या अली इतना होश है। अज होश उदम मगर बहोशम, मैं तो गया अपने होश से मगर इतना होश है गोई के नुसैरी खामोशम, और अगर तू कह अकबाल नुसैरी हो गया मैं चुप हो जाऊं। از هوش شدم مگر بهوشم، گویی که نصیری خاموشم، اور اگر تو یہ کہے کیوں نصیری ہو گیا کیا، میں انکار نہیں کروں گا چپ ہو جاؤں گا، اتنا ہوش ہے ابھی ابھی اتنا ہوش ہے کہ بہکوں گا نہیں، اگر تو یہ کہے کیوں نصیری ہو گیا تو میں چپ ہو جاؤں گا، چپ ہو جاؤں گا
तो ये मंजिल है विलायत तकवीनी और विलायत तशरीह, और इसलिए यही एक नाम है अव्वलीन और आखरीन में, कि जहां लफ्ज अली हम वजन वली के, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत छोटा लफ्ज था, वजन। वजन तो आप उसको तराजू में रख के तो न तोले, इस वजन के बहुत माना है। यहां लफ्ज हम वजन है, यानी वली के जितने खुसूसियात है, वली के जितने मरातिब है, वली के जितने फजाइल है, वली के जितने मनाकिब है, वो सब अली में। एक अजीब मंजिल है मेरे नजदीक के उठने बैठने वाले अहबाब यकीनन शायद मुझे सुने होंगे, सुन चुके होंगे। एक अजीब शेर है मीर अनीस का, एक सलाम का शेर है और मशहूर सलाम है, अली सा भी न कोई यादिल जमाना हुआ कि बाज़ो कबूतर का आशियाना हुआ। यह सलाम का मतला है और इसका शेर अनीस कहते हैं, अंधेरी कब्र थी और मैं था या अली वली। ये जोर देखिए, अंधेरी कब्र थी और मैं था या अली वली, हुजूर आए तो रोशन सियाह खाना हुआ। अंधेरी कब्र थी और मैं दया अली वली, अल्लाह वली الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور, مقام ولایت مقام نورانیت ہے। अंधेरी कब्र थी और मैं था या अली वली, हुजूर आए तो रोशन सिया खाना हुआ। आपको ताज्जुब होगा कि हजारों शोरा ने यह चाहा कि अनीस के इस शेर पर मिसरे लगाएं, बड़े बड़े शोरा ने कोशिश की और खुद अनीस के दौर के एक बुजुर्ग सैयद हादी अली ने, जिन्होंने अनीस को वो मशहूर मरसिया पढ़ते हुए सुना था जब कता की मसाफत शब आफ्ताब ने, उन्होंने महीनों कोशिश की और उसके बाद उन्होंने अलबत्ता ये मिसरे लगाए, और वो मिसरे इस काबिल हैं कि उनकी याद को कायम रखने के लिए और उन तक सवाब पहुंचाने के लिए इस मद्दाही अहले बैत का उन मिसरों को मिंबर से पढ़ा जाए। हादी अली कहते हैं, मिसरा तो आपको शेर तो याद है ना, अब नहीं पढ़ूंगा शेर, अब तीन मिसरे सुनिए। कहते हैं, चलाओगे जीस्त बुझा सर सरे फना जो चली, चराग जीस्त बुझा सर सरे फना जो चली, हुजूम यास में निकला जबा से नाद अली। अदबी शाहकार है, हाफिजे में रह जाए
तो फिर लज्जत अकली है। चराग जीस्त बुझा सर सर फना जो चली, हुजूम में यास में निकला जबान से नाद अली। तीसरा मिसरा जिया नक्शे कफे पासे शम तूर जली, अंधेरी कब्र थी और मैं था या अली ये वली, हुजूर आए तो रोशन सिया खाना। ख्याल है याद रहेंगे या मिसरे आपको? अनीस का शेर भी याद रहेगा, अंधेरी कब्र थी और मैं था या अली वली, हुजूर आए तो रोशन सिया खाना हुआ, चराग ज़ीस्त बुझा सर सरे फना जो चली, हुजूम में यास में निकला जबां से नादे अली। जियाए नक्शे कफे पासे शम तूर जली, अंधेरी कब्र थी और मैं था या अली वली, हुजूर आए तो रोशन सिया खाना हुआ। मैंने तकरीर खत्म की, जहां विलायत तकवीनी भी हो जहाँ विलायत तशरी भी हो, उसी अली के गले में रस्सी बंधी हो, फातिमा एक मकाम पर खड़ी हुई हो, दरबार बिगड़ा हुआ हो और अली से ये कहा जाए अली बायत कर लो, मैंने रहमत दी। जाहिर है कि मेरे लिए बड़ी कठिन घड़ी थी ये, जबकि मैं जान रहा था कि फिर सुबह की तकरीर है, मगर मेरा दिल यह चाहता था कि इस उन्वान के लिए मैं कुछ इतना कह सकूं कि मेरा दिल गवाही दे कि मैंने थोड़ा सा उन्वान कहा अदा किया है। इसलिए दिल की बेचैनी ने बहुत सी बातों को जबान तक पहुंचाने की कोशिश की और मैंने आपको इस हकीकत से आशना किया कि जहां विलायत तकवीनी है, जहां विलायत तशरी है, जहां इख्तदार कुल है, जहां इख्तियार है, जिसकी विलायत रसूल की विलायत और जिस रसूल की विलायत अल्लाह की विलायत है, वहाँ ये सब्र भी है, वहाँ ये जबर भी है, वहाँ ये सब्र भी है, वहाँ ये जबर। एक मर्तबा दरो दीवार मस्जिद के लरजने लगे, अमीरुल मोमिनीन ने घबरा के फातिमा को देखा के जलाल के आलम में चाहती हैं कि हाथों को बुलंद कर, पुकारा सलमान इधर आओ। सलमान नजदीक आए तो कहा जाके बिनत रसूल से कहना अपने बाबा के हक की कसम बद्दुआ न करना। हाथ छोड़ दिए, अली की यही ख्वाहिश है, अली की ख्वाहिश यही है, बद्दुआ न की जाए। इसी फातिमा की बेटी मोहम्मद की बड़ी नवासी उस शहजादी के लिए भी शान विलायत है,
और एक मशहूर शेर फारसी का है जनाब ज़ैनब के लिए, अगर कोई याद रख सके तो। जनाब ज़ैनब के लिए है, गो बसूरत उन वलीउल्लाह ज़नस, गो बसूरत उन वलीउल्लाह ज़नस, ज़न मखानश नूर ज़ाते ज़ुल्मनस। वलीउल्लाह है बज़ाहिर औरत है, मगर औरत ना कहो नूर हक है, नूर हक है। माँ की बेटी वो भी चाहती थी कि कोई मंजिल ऐसी आए जब मैं जलाल को दिखलाऊं कि एक मर्तबा नौ के नैजा से भाई के सर ने इशारा किया। ज़ैनब ने सब्र किया, ज़ैनब ने सब्र किया, भाई का हुक्म था, करबला में सब्र किया। देखिए आखिरी जुमले हैं और अब मुझ में ताकत नहीं है। करबला में सब्र किया, कूफे में सब्र किया, बाजारों में सब्र किया, दरबार में सब्र किया, जिंदान में सब्र किया, अकेली बच्ची को शाम में छोड़ा, सब्र किया, सब्र किया। करबला आई वापस, ज़ैनब चुप, भाई को सलाम किया, अब कोई शिकायत नहीं करती, सब्र किया, सब्र किया। काफिला करबला से मदीने आया, नाना से कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ नाना से इतना कहा, नाना एक तोहफा लाई हूं, एक तोहफा लाई हूं नाना, मगर दूंगी नहीं। कल आप सुबह को सुनेंगे, जरीब पर डाला उसको हटा लिया, मगर मगर लबे शिकायत खुले और एक मर्तबा शहजादी ने चाहा कि जो कुछ गुजर चुकी सब कुछ कह दे। वो शाम का वक्त था, मदीना पहुंचने के बाद जब रात हुई तो सीधे माँ के कब्र पे गई और दोनों हाथ कब्र पे रख के कहा, अम्मा ज़ैनब आई और अम्मा ये तेरे बेटे का कुर्ता है, दो हाथ कांपते हुए निकले। हुसैन